खबर सासाराम से है, जहां ऑल इंडिया गद्दी समाज के बैनर तले लोगों ने दहेज प्रथा एवं तिलक समारोह के खिलाफ एक बैठक की। गद्दी समाज से जुड़े परवेज आलम ने बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देने एवं दहेज प्रथा को बंद करने को लेकर समाज के लोगों के साथ चर्चा की गई है, जहां सभी लोगों द्वारा दहेज नहीं लेने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने बताया कि गद्दी समाज डोर टू डोर जाकर भी लोगों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने का काम करता है। वही गद्दी समाज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आई मेयर काजल कुमारी ने बताया कि समाज में हर वर्ग समुदाय से आने वाले लोगों को समान अधिकार है। गद्दी समाज के उत्थान के लिए अपने स्तर से सरकार तक इनकी समस्याओं को रखूंगी तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज आप लोग गद्दी समाज का बैठक की गई है, बैठक में क्या निर्णय लिया जाए, क्या उद्देश्य है? बैठक में हम लोग सिर्फ मुख्यतः दो बिंदुओं पर बात की है। एक कदम शिक्षा की ओर, शिक्षा पर हम लोग पहल किया है। दूसरा तिलक और दहेज बंद हो, दो ही मुख्य बिंदु पर आज हम लोग बात किए। आज हमारा गद्दी दिवस है, गद्दी दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग दो ही बात का वचन लिया और इस तरफ बढ़ने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। आज ऑल इंडिया गद्दी के समाज का बैठक की गई, उसमें आप क्या कहेंगे लोग समाज के बारे में? पहले तो गद्दी समाज की आज स्थापना दिवस मनाई गई, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि समाज में सभी एक समान है, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उन्हें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, उन्हें बराबर की यहाँ पहचान, यहाँ जगह देनी चाहिए। और सरकार से भी हमारी मांग रहेगी कि ऐसा अगर उनके थ्रू किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जितने भी नागरिक हैं सभी एक समान हों। और आज जिस तरह से यहाँ शिक्षा को लेकर भी बात कही गई, तो आज भी समझ सकते हैं कि शिक्षा में अगर हम किसी भी स्कूल में अगर जाते हैं तो स्कूल में बच्चों को नहीं सिखाया जाता है कि हमारा समुदाय ये है या फिर ये हमारी जाति है, या वहाँ पे हर समुदाय के हर बच्चे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सीख है कि हमें अपनी एकता बनाकर, भाईचारा बनाकर, हमें जितने भी हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सबको समान दर्जा देते हुए आगे बढ़ना है और अपने शहर को डेवलप।